स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक था हमारा मैनेजमेंट ट्रैफिक, मैनेजमेंट प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेकंड था हमारा कंट्रोल प्लेन, और थर्ड वन था हमारा डेटा प्लेन। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्लेन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूजर टू द डिवाइस, राइट। एंड कंट्रोल प्लेन क्या था आपका, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द डिवाइस टू द डिवाइस। एंड डेटा प्लेन क्या था आपका, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूजर टू द यूजर, राइट। तो हमने ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, राइट। सो आज मैं इस मैनेजमेंट प्लेन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अगर मैं इस मैनेजमेंट प्लेन की बात करूँ, यहाँ पे हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं टेलनेट क्या होता है। इवन आपको टेलनेट ऑलरेडी पता होगा, आप लोगों ने CCNA में पढ़ा होगा, CCNA राउटिंग स्विचिंग में, ठीक है। बट स्टिल मैं इसको थोड़ा कवर कर दूंगा, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम लोग SSH, AAA, पार्सर व्यू, सिसलॉग, SNMP एंड NTP। ये इनका जो भी हमारा ट्रैफिक है, टेलनेट, SSH, AAA, पार्सर व्यू, सिसलॉग, SNMP, NTP, ये सारा आपका मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक रहता है, राइट। तो मैं टेलनेट को कंटिन्यू कर रहा हूँ आज। तो अगर मैं टेलनेट की बात करूँ, व्हाट इज टेलनेट, टेलनेट किस लिए यूज होता है आपका, इट इज यूज्ड टू गेट रिमोट एक्सेस ऑफ डिवाइसेस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए हम लोग टेलनेट यूज करते हैं। CLI एक्सेस लेने के लिए हम लोग टेलनेट यूज करते हैं, राइट। इट यूजेस TCP पोर्ट नंबर 23, TCP पोर्ट नंबर 23 यूज करता है। इट इज बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ऑन सिस्को राउटर्स, ये बाय डिफॉल्ट सिस्को राउटर्स पे आपका इनेबल्ड रहता है, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको ना GNS में आपको थोड़ा शो कर देता हूँ, टेलनेट कैसे हम लोग इनेबल करते हैं। बाय डिफॉल्ट वैसे सिस्को राउटर्स में टेलनेट इनेबल्ड ही होता है आपका। तो चलो मैं आपको GNS में आपको इसको शो करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ राउटर यूज कर रहा हूँ, R1 एंड R2, दो राउटर यूज कर लेते हैं हम लोग, और इसको एक फास्ट इथरनेट लिंक से हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो पहले इनके IP की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो मैं R1 के इस इंटरफेस पे फास्ट इथरनेट 0x0 पे जो मैं IP यूज़ कर रहा हूँ वो 12.1.1.1 यूज़ कर रहा हूँ। R2 पे हम लोग 12.1.1.2 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम लोग। पहले मैं यहाँ पे R1 पे टेलनेट की सर्विस इनेबल करने लगा हूँ। ये हम लोग IP एड्रेस यूज़ कर लेंगे इन राउटर्स पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे हम लोग जो IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 12.1.1.255.255.255.0, और मैंने इसको बोल दिया नो शटडाउन। कॉन्फ़िगरेशन को हमने राइट कर दिया। R2 पे चलेंगे, R2 पे हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे 12.1.1.2.255.255.255.0 नो शटडाउन एंड राइट। तो मैं R2 से R1 को पहले पिंग करके देख लेता हूँ, रीचेबिलिटी शुड बी देयर, राइट। तो रीचेबिलिटी है इनके बीच में,
ठीक है, दोनों एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं। ओके सो हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लिए हैं यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया यहाँ पे कि जो टेलनेट है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो इनेबल रहता है सिस्को राउटर्स पे, ठीक है। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड ही रहता है। तो मैं अगर आर टू से टेलनेट करता हूँ 12.1.1.1 को, तो ये देखो यहाँ पे कनेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है, बट ये क्या बोल रहा है, पासवर्ड रिक्वायर्ड बट नॉट सेट। आर वन पे पासवर्ड हमने कोई सेट नहीं किया है इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा है, बट बाय डिफॉल्ट टेलनेट की सर्विस जो है वो इनेबल्ड रहती है, राइट। इसको हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेलनेट जो है वो टीसीपी के ऊपर वर्क करता है, और आप लोगों ने सीसीएनए में पढ़ा होगा जो भी सर्विसेज टीसीपी के ऊपर वर्क करती है पहले वो दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ में एक टीसीपी कनेक्शन क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ शो कर देता हूँ, शो टीसीपी ब्रीफ कमांड चलती है कनेक्शन चेक करने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर 23 यूज़ कर रहा है कौन, R1 पे टेलनेट की सर्विस क्या है, इनेबल्ड है। देखो पोर्ट नंबर 23 वहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है आपको। तो इन दोनों के बीच में देखो एक टीसीपी कनेक्शन जो है वो एक इस्टेब्लिश हुआ था, राइट। तो टेलनेट की सर्विस क्या है, बाय डिफॉल्ट ही क्या रहती है, इनेबल रहती है। वैसे तो आप लोगों ने सीसीएनए में पढ़ा होगा टेलनेट की सर्विस हम लोग कैसे इनेबल करते हैं, राउटर के कॉन्फिग मोड पे जाते हैं हम लोग राउटर, और यहाँ पे आपको दिखाता है कॉन्फिग मोड में जाते हैं राउटर के, और यहाँ पे आप कमांड चलाते हो लाइन स्पेस वी टी वाई स्पेस 024 या वट एवर जो आपने नंबर लाइन वी टी वाई नंबर सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। और इसके बाद में आप यहाँ पे कॉन्फिग हाइफन लाइन लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाते हो, राइट। और यहाँ पे आप कमांड चलाते हो, एक पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हो, पासवर्ड ले सपोज आपने सीसीएनए दे दिया, और उसके बाद में यहाँ पे आप एक लॉगिन कमांड चला देते हो, राइट। आप लोगों ने ये पढ़ा था सीसीएनए में राउटिंग स्विचिंग में कि ऐसे हम लोग टेलनेट की सर्विस जो है वो इनेबल करते हैं, राइट। तो ये पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड देने के बाद में यहाँ पे आप कमांड चला देते हो लॉगिन, इस पासवर्ड को अप्लाई करने के लिए। तो ये आप कमांड यूज़ करते हो नॉर्मली टेलनेट की सर्विस को इनेबल करने के लिए। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टेलनेट बाय डिफॉल्ट ही क्या होता है, इनेबल्ड रहता है। तो मैंने आपको ये शो भी किया है, जब आप R1 से जब टेलनेट R2 से जब R1 को आप टेलनेट कर रहे हो तो ये क्या बोल रहा है, कनेक्शन ओपन हो चुका है बट पासवर्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड यहाँ पे सेट नहीं है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है तभी आप टेलनेट की सर्विस क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट ये आपको एक एरर मैसेज दे देता है, बट बाय डिफॉल्ट टेलनेट की सर्विस इनेबल्ड है। मैं फिर से दिखा देता हूँ शो टीसीपी ब्रीफ में, ये देखो यहाँ पे कनेक्शन जो है वो फिर से इस्टेब्लिश हुआ था R1 के साथ में पोर्ट नंबर 23 पे, और ये R2 जो है वो एक रैंडम पोर्ट नंबर यूज करता है, राइट। ओके चलो एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी नेक्स्ट हम लोग टेलनेट की सर्विस कैसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है, टेलनेट हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। सो थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो टेलनेट की जो सर्विस हम लोग इनेबल करते हैं वो तीन टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग विदाउट पासवर्ड भी टेलनेट की सर्विस इनेबल कर सकते हैं, विद पासवर्ड भी टेलनेट की सर्विस इनेबल कर सकते हैं, एंड थर्ड जो नंबर है वो है हमारा विद यूजर नेम एंड पासवर्ड भी हम लोग टेलनेट की सर्विस क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड है टेलनेट की सर्विस को इनेबल करने के लिए। तो यहाँ पे तो आपसे वो पासवर्ड मांग रहा था जब आप R2 से टेलनेट कर रहे थे R1 को, पासवर्ड रिक्वायर्ड। तो ज़रूरी नहीं है पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज R1 पे टेलनेट की सर्विस बाय डिफॉल्ट ही क्या होती है, इनेबल्ड होती है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि हम लोग कैसे टेलनेट की सर्विस को इनेबल कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड, ठीक है। ओके सो हम लोग चलते हैं फिर से GNS में चलते हैं, और मैं R1 पे चलता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक कमांड चलानी है लाइन VTY 02, ये इतने नंबर ऑफ
आप यूज कर सकते हो। तो मैं लेट्स सपोज 02 मैंने यूज कर लिया 4, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोर्ट ओपन हो जाएंगे, पोर्ट नंबर लाइन VTY पोर्ट नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब टोटल 5 पोर्ट आपके ओपन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आप एट ए टाइम इस राउटर के साथ में 5 टेलनेट के सेशन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने लाइन VTY में जाना है और आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कमांड चली होती है यहाँ पे लॉगिन, तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा नो लॉगिन। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कमांड चली होती है बाय डिफॉल्ट लॉगिन, ठीक है, इसीलिए वो आपसे पासवर्ड मांग रहा होता है, बट मैंने क्या बोल दिया नो लॉगिन, तो ये आपसे आप कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ R2 पे और अब मैं दोबारा मैं बोलता हूँ टेलनेट 12.1.1.1। देख सकते हो आप R1 का हमारे पास में टेलनेट का सेशन आ चुका है, ये देखो R1 का एक्सेस आ चुका है हमारे पास में। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है कैसे हम लोग टेलनेट की सर्विस को इनेबल कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, क्लियर, ओके। तो अब देखो यार, अब हमने ये जो फर्स्ट मेथड यूज किया इनेबलिंग टेलनेट विदाउट पासवर्ड, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है इसमें एनीवन कैन गेट द एक्सेस ऑफ डिवाइस, कोई भी डिवाइस का एक्सेस ले सकता है अगर आपने विदाउट पासवर्ड जो है टेलनेट की सर्विस क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। देखो अगर किसी को भी आपके राउटर का आईपी एड्रेस पता है तो वो क्या कर सकता है, अगर आपने वहां पे विदाउट पासवर्ड टेलनेट जो है इनेबल कर रखा है तो कोई भी यूजर, कोई भी बंदा आपके इस राउटर को टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है, राइट। तो वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी। तो हम लोग ये विदाउट पासवर्ड नॉर्मली टेलनेट की सर्विस इनेबल नहीं करते हैं डिवाइसेस पे, बट यस आप विदाउट पासवर्ड जो है वो टेलनेट की सर्विस इनेबल कर सकते हैं, क्लियर। तो यही प्रॉब्लम है इसमें कि अगर किसी को भी आपके डिवाइस का पासवर्ड पता है और उस बंदे से आपके डिवाइस का अगर किसी यूजर को, किसी को भी अगर आईपी एड्रेस पता है और वो यूजर आपके राउटर से रीचेबल है तो वो कोई भी आपके राउटर का एक्सेस ले सकता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड की, इनेबलिंग टेलनेट विद पासवर्ड। तो विद पासवर्ड हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। तो मैंने यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया, मैं इससे एग्जिट हो चुका हूं। R1 पे हम लोग फिर से चलते हैं, इस बार हम लोग विद पासवर्ड जो है टेलनेट की सर्विस इनेबल करेंगे। तो लाइन VTY 024, 024 का मतलब क्या हुआ, आपने कितने लाइन VTY पोर्ट ओपन कर रहे हो, 5 पोर्ट्स, 0 to 4, टोटल कितने हो गए 5। तो एट ए टाइम 5 यूजर जो है इस राउटर को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे इंटरफेस किया, अब यहाँ पे आप कमांड चलाओगे लॉगिन। तो जैसे मैं लॉगिन कमांड चलाता हूं, ये क्या बोल रहा है कि पासवर्ड जो है ना इस पे सेट नहीं है, ये क्या बोल रहा है, लॉगिन डिसेबल्ड है यहाँ पे जब तक आप पासवर्ड सेट नहीं करोगे। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया, लेट्स सपोज CCNA, ठीक है। मैं आपको इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करते हो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाते हो, सबसे एंड में चल लो आप, तो यहाँ पे आपको वो शो कर देगा। सॉरी, हाँ ये देखो लाइन VTY, पासवर्ड क्या है CCNA, और इस पासवर्ड को अप्लाई करने के लिए कमांड हमने चला दी थी लॉगिन कमांड, और बाय डिफॉल्ट लॉगिन कमांड चली होती है, ठीक है। तो अब इस राउटर का जब आप एक्सेस लोगे तो आपसे ये मांग लेगा पासवर्ड। तो मैं यहां पे कमांड चलाता हूं टेलनेट 12.1.1.1, आपसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड दिया CCNA, अब आपके पास में इस राउटर 1 का जो है वो एक्सेस मिला है, क्लियर है ये चीज। तो अब इसमें जब आप विद पासवर्ड जब आप टेलनेट की सर्विस आप इनेबल करते हो ना, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं क्लियर कर देता हूं। लेट्स सपोज
हमारे पास में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ राउटर्स हैं, राउटर वन है, एक ही राउटर ले लेते हैं, राउटर वन है, इसका आईपी एड्रेस है 12.1.1.1 और आपने यहाँ पे टेलनेट की सर्विस इनेबल कर दी। और टेलनेट की सर्विस इनेबल करने के लिए आपने क्या किया, आपने कमांड रन करी लाइन VTY024 और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया आपने, पासवर्ड CCNA, और इस पासवर्ड को अप्लाई करने के लिए आपने एक कमांड चला दी लॉगिन। तो ये जो पासवर्ड जो है ना, ये पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा इस लाइन इंटरफेस पे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे कुछ मल्टीपल यूजर्स हैं, ये हमारे पास में कुछ नंबर ऑफ यूजर्स हैं, लेट्स सपोज ये 4 यूजर्स हैं हमारे पास में इस नेटवर्क में, ठीक है, और इनका आईपी एड्रेस जो है वो है लेट्स सपोज 12.1.1.2, कुछ भी आईपी एड्रेस हो सकता है। मान लो कि इन यूजर से ये जो राउटर का आईपी एड्रेस जो है वो क्या है, रीचेबल है सबसे, ठीक है। तो अब देखो अब होता क्या है, अब लेट्स सपोज ये एक यूजर है एबीसी, ये ए यूजर है, ये बी यूजर है, सी यूजर है और ये है डी यूजर, ओके। तो अब इसमें अब देखो विद पासवर्ड जो हमने ये टेलनेट की सर्विस जो इनेबल करी है, ठीक है, ये सिक्योर है। जब भी कोई लेट्स सपोज किसी को भी अगर इसका आईपी एड्रेस पता है राउटर का, तो इस राउटर को टेलनेट कर तो सकता है, बट पहले उसको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, तभी इस राउटर में क्या कर पाएगा, वो एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, प्रॉब्लम ये आएगी, लेट्स सपोज ए यूजर ने राउटर वन को क्या किया, एक्सेस किया, कमांड चलाएगा ये टेलनेट 12.1.1.1, तो जैसे ही कमांड चलाएगा इसके पास में राउटर वन का एक्सेस आ जाएगा, राइट। अब ये ए यूजर क्या कर सकता है, इस राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, क्लियर। लेट्स सपोज इसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दी इस पे, इसने इसमें कुछ नंबर ऑफ कुछ प्रोटोकॉल इनेबल कर दिए, कुछ आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने थे, ठीक है, क्लियर। अब होता क्या है, हमारे नेटवर्क में ना एक सर्वर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिसलॉग सर्वर या एसएनएमपी सर्वर। मान लेते हैं सिसलॉग सर्वर एक हमारे पास में नेटवर्क में एक, मैंने आपको बताया था हम लोग सिसलॉग सर्वर का सर्वर भी यहाँ पे कवर करेंगे टॉपिक। तो मान लेते हैं ये है हमारे पास में सिसलॉग सर्वर, मैं इसका कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा आपको, क्लियर करूंगा, डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब सिसलॉग सर्वर क्या करता है, एक सिस्टम है हमारा जिस पे हमने सर्विस इनेबल कर रखी है सिसलॉग की। होगा क्या, अब जैसे ही ये यूजर इस राउटर का टेलनेट का एक्सेस लेगा तो ये इंफॉर्मेशन कहां पे चली जाएगी, सिसलॉग सर्वर पे चली जाएगी कि हाँ भाई यहां पे किसी यूजर ने इसको एक्सेस किया था, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन जा सकती है, लेट्स सपोज एक एसएनएमपी सर्वर भी रहता है हमारा यहां पे नेटवर्क में, ये कौन सा सर्वर है, लेट्स सपोज ये है हमारा एसएनएमपी सर्वर, और ये यूजर जितनी भी कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा, लेट्स सपोज इसने कुछ प्रोटोकॉल इनेबल कर दिए, कुछ आईपी एड्रेसेस कॉन्फिगर कर दिए, तो ये यूजर जो भी इस पे कॉन्फ़िगरेशन करेगा इस राउटर पे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती रहेगी, एसएनएमपी सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती रहेगी, क्लियर है इतनी चीज। अब हुआ क्या, ए यूजर जो है वो इस राउटर से हो गया डिस्कनेक्ट। अब पता चला कि यहाँ पे एक डी यूजर भी है, इस यूजर की ए यूजर के साथ में बनती नहीं थी कंपनी में, ठीक है। तो ये क्या करना चाहता है, ये ए यूजर के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्या कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेट्स सपोज इसने भी मतलब अभी टास्क मिला था, पहले किसको टास्क मिला था, ए यूजर को टास्क मिला था, क्या कि ए यूजर ने कुछ प्रोटोकॉल इनेबल करने थे और कुछ आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने थे, तो ए यूजर ने वो राउटर का एक्सेस लिया और इसमें क्या किया, इसने प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया राउटर पे और साथ के साथ इस पे कुछ नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने थे वो कर दिए, और ये ए यूजर जो है वो हो गया डिस्कनेक्ट। अब डी यूजर जो है ना वो इसकी बनती नहीं है किसके साथ में, ए के साथ में,
तो ये क्या कर सकता है, ये जो डी यूजर है इसकी ए यूजर के साथ में बनती नहीं है, तो डी यूजर क्या कर सकता है, ए यूजर के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैसे, ये डी यूजर भी क्या कर सकता है, टेलनेट बोलेगा 12.1.1.1, इसके पास में एक्सेस आ जाएगा आर वन का, और ये क्या करेगा इस पे कुछ डिवाइस पे कुछ मिसकॉन्फिगरेशन कर देगा। तो इस राउटर से कोई कनेक्ट हुआ है यूजर, और डी यूजर ने क्या किया, इसने कुछ मिसकॉन्फिगरेशन कर दी, राइट। और ये इंफॉर्मेशन कहां पे चली जाएगी, एसएनएमपी सर्वर पे। तो एसएनएमपी सर्वर पे अब दो इंफॉर्मेशन चली जाएगी, एक तो जो ए यूजर ने कॉन्फिगरेशन करी थी, और एक डी यूजर ने जो मिसकॉन्फिगरेशन करी थी इस पे। अब मैं यहां पे ट्रैक नहीं कर पाऊंगा कि ए यूजर मतलब किस यूजर ने क्या कॉन्फिगरेशन करी है। अब मुझे तो ये लगेगा कि ए यूजर ने इस पे कुछ मिसकॉन्फिगरेशन, मतलब यहां पे कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं रहेगा। तो टास्क जो आपका काम है वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से चल नहीं पाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। बिकॉज हो क्या रहा है, हमने इस राउटर पे क्या किया है, इस राउटर पे हमने करा है पासवर्ड कॉन्फिगर। पासवर्ड क्या है, सीसीएनए, ये पासवर्ड इनको सबको पता है। इस पासवर्ड से इस राउटर को कोई भी क्या कर सकता है, नेटवर्क में एक्सेस कर सकता है। बट कौन यूजर इस राउटर पे इस पासवर्ड को यूज करके क्या कॉन्फ़िगरेशन कर क्या कर रहा है, ये मैं यहां पे ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो हमारा काम है ना, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चल नहीं पा रहा होगा। तो हम लोग ऐसे ना करके हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, मतलब इसमें भी ये प्रॉब्लम है हमारे पास में, क्या कि जब हमारे पास में मल्टीपल यूजर है ना यहां पे, तो प्रॉब्लम आएगी, हम लोग प्रॉपर ट्रैक नहीं कर पाएंगे। जब मल्टीपल यूजर्स है तो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, वो सेम पासवर्ड बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे इस राउटर का ये पासवर्ड है, आप इस राउटर को क्या कर सकते हो, एक्सेस करके इस पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। बट मैं वहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा यूज़र क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिला हमें, इसका सॉल्यूशन मिला हमें यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड के केस में। तो इस पर हम लोग क्या कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे राउटर था, इसका आईपी एड्रेस था 12.1.1.1, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास में वही फोर यूजर थे, यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी एंड यूजर डी, ओके। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इस राउटर पे हम लोग क्या करेंगे, एक लोकल डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी यूजर हैं उनके नाम से एक यूजर नेम क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने एक यूजर नेम बना दिया ए, मैंने एक यूजर बनाया ए और उस पर पासवर्ड कॉन्फिगर कर दिया 123। एक यूजर मैंने क्रिएट किया बी, उसको पासवर्ड दे दिया तुम्हारा पासवर्ड है 234। एक और यूजर क्रिएट कर दिया सी, तुम्हारा पासवर्ड है 345। ऐसे ही मैंने एक और यूजर क्रिएट किया यहाँ पे यूजर डी, और तुम्हारा पासवर्ड है 456। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे और उनको उनका एक पासवर्ड बना लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे इन सबको बता देंगे कि हाँ भाई, ए यूजर को बता देंगे तुम्हारा यूजर नेम है ए और तुम्हारा पासवर्ड है 123। डी यूजर को बता देंगे तुम्हारा यूजर आईडी है डी और तुम्हारा पासवर्ड है 456। तो अब होगा क्या, इस राउटर पे हम लोग अब कमांड चलाएंगे लाइन स्पेस वीटीवाई स्पेस 024। पांच पोर्ट इनेबल हो जाएंगे एट ए टाइम, पांच यूजर इसको एक्सेस कर पाएंगे। और अब यहां पे हम लोग पासवर्ड कमांड ना चला के मैं यहां पे क्या बोलूंगा, लॉग इन लोकल, मतलब जब भी इस पे कोई लॉग इन के लिए आए तो ऑथेंटिकेशन के लिए इससे पासवर्ड ना मांगे, यूजर नेम और पासवर्ड मांग लेगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, जब अब आप ए यूजर से जब इस टेलनेट की सर्विस को जब आप एक्सेस करोगे, टेलनेट 12.1.1.1, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, इस बार आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, इस बार आपसे मांगेगा पहले ये यूजर नेम। तो यूजर नेम, ए को अपना यूजर नेम पता है, ए है, और फिर उससे पासवर्ड मांगेगा, और ए यूजर को अपना पासवर्ड भी पता है, मेरा पासवर्ड क्या है,
1, 2, 3, तो ए यूजर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा किससे, इस राउटर से, और इसकी इंफॉर्मेशन कहां पे चली जाएगी, एसएनएमपी सर्वर पे, कि हाँ भाई ए यूजर कनेक्ट हुआ था किस टाइम पे, लेट सपोज 11:30 पीएम पे कनेक्ट हुआ था। अब ए यूजर ने इस पे कुछ प्रोटोकॉल इनेबल किए, कुछ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए, तो इसकी इंफॉर्मेशन कहां पे जाती रहेगी, एसएनएमपी सर्वर पे, हाँ भाई ए यूजर ने कुछ प्रोटोकॉल इनेबल किए थे और कुछ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए थे, इंफॉर्मेशन कहां पे चली गई, एसएनएमपी सर्वर पे। ये यूजर कनेक्ट हुआ था, ए यूजर इस राउटर से 10:30 पीएम पे, तो ये इंफॉर्मेशन कहां पे जा रही है, सिसलॉग सर्वर पे, ये सिसलॉग सर्वर पे इंफॉर्मेशन चली गई है और ये चली गई है एसएनएमपी सर्वर पे। और ये यूजर ए जो है वो हो जाएगा बाद में डिस्कनेक्ट। अब डी यूजर जब प्रॉब्लम क्रिएट करा, लेट सपोज जी डी यूजर की ए यूजर के साथ में बनती नहीं थी, ये इसके लिए ए यूजर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, तो ये बोलेगा टेलनेट 12.1.1.1, जैसे एंटर प्रेस करेगा यूजर नेम मांगेगा। तो अब डी यूजर को ए का यूजर नेम तो पता नहीं है, चलो यूजर नेम पता भी है बट उसको पासवर्ड नहीं पता होगा, राइट, तो ये क्या करेगा, ये अपना यूजर नेम डालेगा डी और इसका पासवर्ड मांगेगा, फिर पासवर्ड क्या है इसका डी का, 456, और जैसे एंटर प्रेस करेगा ये कनेक्ट हो जाएगा। अब डी यूजर जो भी मिस कॉन्फिगरेशन करेगा, अब ये सारी इंफॉर्मेशन सिसलॉग सर्वर पे चली जाएगी कि हाँ भाई डी यूजर कनेक्ट हुआ था 11:30 पीएम पे, राइट, और इसने जो भी मिस कॉन्फिगरेशन करी है डी यूजर ने, वो कहां पे चली जाएगी, सिसलॉग सर्वर पे। तो अब मैं इन दोनों सर्वर को लॉग इन करके क्या कर सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ किस यूजर ने क्या कॉन्फिगरेशन करी है, राइट, किसने मिस कॉन्फिगरेशन करी है। तो अब हम लोग चीजों को इजिली क्या कर पा रहे होंगे, ट्रैक कर पा रहे होंगे, अब कोई भी यूजर किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्लियर है ये चीज। चलो इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं और क्लियर हो जाएगा अच्छे से आप लोगों को। तो मैं जीएनएस में चलता हूं और मैं राउटर वन पे चलता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे कुछ यूजर नेम बना लेते हैं, मैंने एक यूजर नेम बनाया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चल के यूजर नेम बनेगा, यूजर ए पासवर्ड 1, 2, 3, यूजर नेम बी पासवर्ड 2, 3, 4, यूजर नेम सी पासवर्ड 3, 4, 5, यूजर नेम डी पासवर्ड 4, 5, 6। तो हमने ये कुछ यूजर नेम एंड पासवर्ड बना लिए। अब हम लोग बोलेंगे लाइन vty024। अब हम लोग लॉगिन कमांड नहीं चलाएंगे बिकॉज हमने यहाँ पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर ही नहीं करा है, लोकल पासवर्ड, हम लोग यहाँ पे कमांड जाएंगे लॉगिन लोकल, मतलब जब भी इससे कोई कनेक्ट होने के लिए आए तो उससे क्या मांगे, लोकल डेटाबेस से यूजर नेम पासवर्ड मांगे, इसको बोलते हैं हम लोग लोकल डेटाबेस। तो इससे क्या मांगेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो चलो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं R2 पे चलता हूँ, इस बार हम लोग टेलनेट बोलते हैं किसको, 12.1.1.1 को मैं टेलनेट करूँ। देखो इस बार यूजर नेम मांग रहा है, यूजर नेम मैंने डाला A, पासवर्ड मांग रहा है 1, 2, 3। तो देखो अब R1 से ये जो है वो कनेक्ट हो चुका है और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चली जाएगी, सिसलॉग सर्वर पे, कि हाँ भाई R1 से A यूजर कनेक्ट हुआ था और ये यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेगा वो इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी एसएनएमपी सर्वर पे। तो अब मैं इजिली ट्रैक कर पाऊंगा ए यूजर ने क्या कॉन्फ़िगरेशन करी थी R1 पे, क्लियर है ये चीज, आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। यस, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट जो है ना वो आपका इजी हो जाएगा, हम लोग इजीली चीजें जो है वो ट्रैक कर पाएंगे, सिस्टमेटिक तरीके से हमारा काम चल पाएगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं, हमने तीन मेथड डिस्कस किए, पहले वाले मेथड में हमने बात करी विदाउट पासवर्ड कॉन्फिगर करते हैं, जिसमें कोई भी जिसको भी आईपी एड्रेस पता है वो एक्सेस ले लेगा। विद पासवर्ड में क्या होगा, मल्टीपल जब यूजर है तो सबको पासवर्ड पता होगा, सेम पासवर्ड से सभी एक्सेस कर लेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। विद यूजर नेम पासवर्ड में क्या होगा, चीजें हम लोग इजिली जो है ट्रैक कर सकते हैं मल्टीपल यूजर के केस में, क्लियर। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, राउटर्स पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डले होते हैं सबके नाम से, जो भी यूजर एक्सेस करता है, जो भी कॉन्फिगरेशन करता है उसको हम लोग ट्रैक कर पाते हैं किसने क्या कॉन्फिगरेशन करी है, क्लियर। सो ये चीज़ क्लियर है आपको, ये जो तीनों जो मैंने आपको मेथड बताए, विदाउट पासवर्ड क्या प्रॉब्लम थी, विद पासवर्ड क्या प्रॉब्लम आएगी मल्टीपल यूजर के केस में, और जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या था,
विद यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग टेलनेट क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। तो ये तीन मेथड है हमारे पास में टेलनेट इनेबल करने के, क्लियर। अब अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, R1 पे चलता हूं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो अब अगर आप यहां पे चेक करो, मैंने यहां पे कुछ लोकल डेटाबेस बनाया था यूजर नेम एंड पासवर्ड, देख पा रहे हो आप लोग, ये देखो। तो हम लोग इस पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, हम लोग इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस राउटर पे किसी को एक्सेस मिल गया, तो वो जैसे ही कमांड चलेगा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो वो यहां पे हमारा पासवर्ड देख सकता है, राइट। तो इस पासवर्ड को हमने क्या करना है, यहां पे इनक्रिप्ट करना है। तो इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए कमांड चलती है सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, और ये बाय डिफॉल्ट कमांड जो है ना, वो ये डिसेबल्ड होती है। इस कमांड को हम लोग इनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं ये कमांड चलाऊंगा शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो अब तुम देखोगे तो ये जो पासवर्ड है ना वो आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। देखो जरा, पासवर्ड जो है वो आपका क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। तो अब कोई भी इस पासवर्ड को रीड नहीं कर पाएगा कि हाँ भाई क्या पासवर्ड है। बट यस, जब आप टेलनेट का एक्सेस लोगे, जैसे मैं यहां पे वापस एक्सेस लेता हूं, मैंने बोला R2 पे मैंने बोला टेलनेट करना हमने 12.1.1.1 को, तो यूजर नेम मांग रहा है, मैंने बोला बी यूजर नेम का पासवर्ड क्या था 234, तो मैंने जैसे ही 234 बोला एंटर प्रेस करता हूं तो एक्सेस मिल गया। बट उस राउटर पे R1 पे जो पासवर्ड है बी यूजर का वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से हम लोग इस पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सो अगर आप पासवर्ड इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास में क्या कमांड है, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमने ये कमांड चलाई थी, क्लियर। बट ये जो पासवर्ड है ना आपका, ये जो पासवर्ड है ये है आपका Type 7 पासवर्ड, आप देख सकते हो यहां पे ये पासवर्ड है Type 7 पासवर्ड है। इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। डिक्रिप्ट कैसे किया जा सकता है, आप लोगों ने CCNA में या CCNP में आप लोगों ने कीचेन पढ़ा होगा, EIGRP में ऑथेंटिकेशन लगाते टाइम। तो इसको डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं एक की चेन बनाता हूं, मैंने की चेन बनाई, की चेन नेम मैंने कोई भी दे दिया CNL, एक की जनरेट करी key1, इस key1 में मैं पासवर्ड डालता हूं की स्ट्रिंग क्या है, पासवर्ड, और ये मैंने पासवर्ड यहां पे पुट कर दिया। अब अगर मैं यहां पे बोलता हूं शो की चेन CNL, जो CNL की चेन है इसमें हमें की दिखाएगा, की वन थी और की वन में वो पासवर्ड क्या आ गया 456। तो इस पासवर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ये रिवर्सेबल है पासवर्ड आपका, ठीक है। तो हम लोग ये कमांड रन नहीं करेंगे कभी भी पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो मैं इस कमांड को हटा देता हूं यहां से, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज इसको कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है इजिली। आप गूगल में भी जाके इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से हम लोग इस पासवर्ड को Type 7 जो पासवर्ड है उसको हम लोग डिक्रिप्ट कर सकते हैं, क्लियर। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग यूजर नेम पासवर्ड ऐसे नहीं बनाएंगे, मैंने जैसे यूजर नेम बनाया था, यूजर नेम उसको पासवर्ड दिया था 123, मैंने इसको नो कर दिया, मैं यूजर नेम बनाया था बी, इसको पासवर्ड दिया था 234, इसको मैंने नो कर दिया, मैंने पासवर्ड यूजर ने बनाया था सी, उसको पासवर्ड दिया था 345, इसको भी हमने नो कर दिया, एक यूजर नेम क्रिएट किया था डी, इसको पासवर्ड दिया था 456, इसको मैंने नो कर दिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं यहां पे शो रनिंग कॉन्फ़िग, अब इसमें देखो जरा, मैंने वो सारे यूजर नेम हटा दिए। अब आप क्या करोगे, मैंने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड हटा दिया, आप देख सकते हो शो रनिंग कॉन्फ़िग, बाय डिफॉल्ट आपको दिखाएगा ये क्या बोल रहा है, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। जब आप कमांड चलाते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग चेक करते हो आप, तो आपको यहां पे क्या बोल रहा है ये, कि यहां पे कोई भी ये जो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड जो इनेबल्ड नहीं है, वो डिसेबल्ड है,
इंक्रिप्शन डिसेबल्ड है यहाँ पे, ये पासवर्ड को इंक्रिप्ट नहीं करेगा। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अब यूजर नेम कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा सिक्योर रखने के लिए, सर्विस पासवर्ड इनेबल कमांड नहीं चला, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड नहीं चलाएंगे हम लोग, इसको सिक्योर करने के लिए मैंने यूजर बनाया ए और मैं पासवर्ड की जगह पे बोलूंगा सीक्रेट 1 2 3, यूजर नेम बी सीक्रेट 2 3 4, यूजर नेम सी सीक्रेट 3 4 5, यूजर नेम डी सीक्रेट 4 5 6, मैंने ये यूजर नेम बनाया। शो रनिंग कॉन्फिग, शो रनिंग कॉन्फिग आप कमांड चलाते हो तो अब जो आपको पासवर्ड दिखाएगा, इस बार ये कौन सा पासवर्ड दिखा रहा है आपको, ये टाइप 7 नहीं दिखा रहा है, इस बार आपको दिखा रहा है टाइप 5 पासवर्ड, और इस पासवर्ड को हम लोग डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर मैं की चेन बनाता हूं, की चेन मैंने नाम बना दिया की चेन, लेट सपोज मैंने वही सेम CNL बना रहा हूं, इस बार मैंने की 2 बनाई और की 2 में मैंने की स्ट्रिंग डाली, और मैं इसको अब कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहां पे, जैसे लास्ट टाइम किया था टाइप 7 के केस में मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये देखो ये ले ही नहीं रहा है इस कमांड को, शो की चेन CNL। तो देखो की 1 में हमारा ये पासवर्ड था, की 2 में पासवर्ड क्या बोल रहा है, अनसेट बोल रहा है, ये पासवर्ड ही नहीं है यहाँ पे, तो उसने पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इस टाइप 5 पासवर्ड को आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, टाइप 7 पासवर्ड आपका डिक्रिप्ट हो सकता है, जो हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं कौन से कमांड से, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन से, राइट। बट टाइप 5 पासवर्ड, जो टाइप 5 जो आपका इनक्रिप्शन है उसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यूजर नेम बनाया था, यूजर नेम इस बार मैं बनाता हूँ ई, मैंने पासवर्ड दिया, जैसे मैंने पासवर्ड खाली 1 दे दिया, ये पासवर्ड ये पासवर्ड ले लिया इसने 1 3 4, राइट। अब देखो पासवर्ड सिर्फ 3 करेक्टर का मैंने दिया, देखो एक करेक्टर का ले नहीं रहा था, 3 करेक्टर का मैंने यूज किया। मैं यूजर नेम बनाऊ ई एफ, पासवर्ड दिया मैंने 1 5, मतलब एक सिंगल करेक्टर का नहीं ले रहा, वो 2 करेक्टर का ले रहा है, 2 और मोर करेक्टर का ले रहा है, राइट। अब देखो पासवर्ड जितना आपका शॉर्ट रहेगा पासवर्ड, उतना ही आपका इजिली क्या हो सकता है, डिक्रिप्ट हो सकता है, राइट। समझ में आ रही बात, आप ऐसे भी दे सकते थे यूजर नेम एफ पासवर्ड सीक्रेट 1 5, ये भी बोल सकते थे आप, सॉरी दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी है ये जी मैंने यूज कर लिया। ये देखो ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड तो रहेगा बट 2 करेक्टर का ही पासवर्ड है ये। शो रनिंग कॉन्फिग में देखूं मैं, यूजर नेम जी है आपका ये, टू करेक्टर का पासवर्ड था, इनक्रिप्टेड है बट इसको इजिली डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज पासवर्ड जितना स्मॉल रहेगा, वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड जितना स्मॉल रहेगा उतना ही इजिली उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ पॉलिसी लगा सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी लगा सकते हैं, लाइक मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला सिक्योरिटी सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ, और मिनिमम लेंथ आप 0 to 16 बोल सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया मिनिमम लेंथ, मैंने क्या बोल दिया 5, अब आप मिनिमम 5 लेंथ का आपको पासवर्ड सेट करना ही पड़ेगा, उससे स्मॉल पासवर्ड आप सेट कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने यूजर नेम बनाया ई एच, पासवर्ड मैंने बोला 1 2 3 4 दे दिया, मैंने 4 करेक्टर का यूज कर रहा हूं, ये क्या बोल रहा है, पासवर्ड टू शॉर्ट, राइट। तो आपको मिनिमम 5 करेक्टर का देने पड़ेगा, ये लो कुछ भी करेक्टर यूज कर सकते हो, ये देखो मिनिमम 5 करेक्टर का ले रहा है, 5 और मोर करेक्टर, ये देखो ये ले रहा है पासवर्ड। समझ में आ रही है बात, जैसे मैंने यूजर नेम डाला आई, पासवर्ड दे दिया इसको मैंने ए एस बी एच जी, ये लेगा नहीं, 4 करेक्टर का ये, तो एक और करेक्टर यूज करना पड़ेगा, मैंने एक और करेक्टर यूज कर लिया इसमें, टोटल 5 करेक्टर हो गए, या एक और यूज कर लेता हूं 6 करेक्टर हो गए, तो इसने पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है ये चीज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिसी लगा सकते हैं कि हाँ भाई मिनिमम आप
पासवर्ड रखो इस राउटर में इतने करेक्टर का ही रखो, तो ये कमांड चलेगी सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ। अगर मैं 5 बोल देता हूं तो अब इस राउटर पे जो भी आप पासवर्ड बनाओगे वो मिनिमम आपको 5 करेक्टर का बनाना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। R1 R2 R3 R4 एंड R5 मैंने राउटर से यूज कर लिया है, ठीक है। और एक हम लोग बीच में यूज कर लेते हैं स्विच, और इनको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं सभी राउटर को स्विच के थ्रू। ठीक है, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पहले। R1 पे चलेंगे, इंटरफेस पहले मैं सभी को एक्सेस कर लेता हूँ, फिर आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं इनके। R2 R3 उसके लिए आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, राउटर 1 पे मैंने आईपी दिया 12.1.1.1 255.255.255.0 सिनो शटडाउन। R1 जो है जिस पे हम लोग टेलनेट की इनेबल करेंगे सर्विस, ठीक है। R2 पे चलेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 12.1.1.2.255.255.255.0 इसे नो शटडाउन। R3 पे चलेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 12.1.1.4.255.255.255.0 इसे नो शटडाउन। सॉरी R3 है क्या ये? इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इसको देना है .3। R4 पे चलेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 12.1.1.4.255.255.255.0 इसे नो शटडाउन। R5 को भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 12.1.1.5.255.255.255.0 इसे नो शटडाउन। तो इन सभी पे मैंने आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, R1 पे टेलनेट की सर्विस को करते हैं इनेबल। तो R1 पे टेलनेट की सर्विस इनेबल करने से पहले चार यूजर है, R2 R3 R4 एंड R5 जो एक्सेस करेंगे R1 को। तो मैं इनके नाम से यूजर नेम पासवर्ड बना देता हूँ, यूजर नेम R, मैं इनके राउटर के नाम से बना रहा हूँ R2, और मैंने उसको बोला तुम्हारा पासवर्ड है 123। एक और यूजर नेम बनाया R3, मैंने उसको बोला तुम्हारा पासवर्ड है 234। एक और यूजर नेम बनाया R4, और मैंने उसको बोला तुम्हारा पासवर्ड है 345। एक और यूजर नेम बनाया R5, और तुम्हारा पासवर्ड है 456। ठीक है, ये यूजर नेम पासवर्ड बना लिए मैंने R1 पे, कि R1 को जब भी कोई एक्सेस करे यूजर नेम पासवर्ड मांग ले, राइट। तो अब मैं R1 पे टेलनेट की सर्विस इनेबल करता हूँ, लाइन VTY, मैंने बोला 0 to 2, तो टोटल नंबर पोर्ट कितने इनेबल होंगे, 3। पोर्ट नंबर 0, 1 एंड 2, 3 पोर्ट इनेबल होंगे, मतलब एट ए टाइम R1 को 3 यूजर क्या कर पा रहे होंगे, एक्सेस कर पा रहे होंगे। और मैं यहां पे बोलता हूं लॉग इन लोकल, मतलब लोकल यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, राइट। तो अब मैं चलता हूं पहले R2 पे, R2 एक्सेस करेगा R1 को, टेलनेट 12.1.1.1 को टेलनेट कर रहे हैं R2 से, राइट। और यूजर नेम क्या था, R2, इसका यूजर नेम R2 है, इसका पासवर्ड था 123। ये देखो, ये इसने एक्सेस कर लिया R1 को, ठीक है। R3 भी एक्सेस कर पा रहा होगा R1 को, टेलनेट 12.1.1.1 यूजर नेम मांगेगा, यूजर नेम था इसका R3, और इसको बताया तुम्हारा पासवर्ड था 234।
ये भी एक्सेस कर ले, इसने भी R4 भी एक्सेस कर लेगा, टेलनेट 12.1.1.1। तुम्हारा पासवर्ड क्या था? R4। पासवर्ड क्या था? 345। इसने भी एक्सेस कर लिया। जब आप R5 से एक्सेस करोगे, देखो ऑलरेडी तीन कनेक्शन बन चुके हैं, राइट, टेलनेट 12.1.1.1, तुम्हारा पासवर्ड क्या था, ये देखो ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हमने कितने यहां पे पोर्ट ओपन किए थे, 3 पोर्ट्स, एट ए टाइम कितने यूजर एक्सेस कर पा रहे होंगे, 3। मैं काम करता हूं, R1 को R2 से डिसकनेक्ट कर देता हूं, R2 पे गया मैंने और यहां पे बोल दिया एग्जिट, अब R5 उसको कनेक्ट कर पा रहा होगा, टेलनेट, यूजर नेम मांग रहा है R5, पासवर्ड क्या था, 456। ये देखो, समझ में आ रही है बात, मतलब एट ए टाइम कितने यूजर एक्सेस कर पा कर सकते हैं R1 को, 3, बिकॉज हमने कितने नंबर ऑफ पोर्ट ओपन किए थे, पोर्ट लाइन VTY 0 to 2, राइट, एट ए टाइम 3 ही यूजर एक्सेस कर पा रहे होंगे। और अगर आपने देखना है R1 पे किस किस यूजर ने एक्सेस किया हुआ है, शो यूजर्स कमांड चलती है, तो इसको किस किस ने एक्सेस किया हुआ है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये शो यूजर्स, तो बता रहा है एक R5 ने, R3 ने, R4 ने एक्सेस किया हुआ है। अब अगर आप चाहते हो कि R3 को मैंने टर्मिनेट करना है, हम लोग किस पे हैं, R1 पे, हम लोग हैं R1 पे, आप चाहते हो R3 को मैंने टर्मिनेट करना है यहाँ से, मैं नहीं चाहता ये कनेक्शन बना के रखे, मैं बोलता हूँ ये कनेक्शन अभी क्या हो जाए थोड़े टाइम के लिए, मतलब डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे क्लियर लाइन, और ये लाइन नंबर दे दोगे आप, ये वाला क्लियर लाइन 99 कन्फर्म। और अब जैसे ही आप R3 पे जाके चेक करोगे ना, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है, देखो कनेक्शन क्लोज बाय फॉरन होस्ट, इवन R5 ने अभी भी एक्सेस किया हुआ है, देखो R5 अभी भी कनेक्टेड है, इवन R2 था क्या कनेक्टेड, R2 नहीं R3 था कनेक्टेड शायद, R2 था हाँ अरे अच्छा मैंने एग्जिट कर दिया था यहाँ से, R2 को एग्जिट किया है, किसको किया है, अच्छा R2 को तो हमने एग्जिट तब किया था ना जब इसने एक्सेस किया था, क्लियर है, तो इससे इस तरह से हम लोग डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैं R1 पे वापस से चलता हूँ, शो यूजर्स, अब ये दिखा देगा कितने यूजर्स ने एक्सेस किया हुआ है, अभी R5 ने और R4 ने एक्सेस किया हुआ है, तो R4 पे दिखा देता हूँ, R4 ने अभी भी एक्सेस किया हुआ है, R5 ने अभी भी एक्सेस किया हुआ है, ये देखो। अब आपने एक और डिस्कनेक्ट करना है, लेट्स सपोज मैं जाता हूँ R4 भी यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं R1 से, मैं बोलूँगा क्लियर लाइन और ये लाइन नंबर 100, तो R4 भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, R4 पे चलो, R4 भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये देखो, बट R5 अभी भी कनेक्टेड है, बट अगर आपने R5 को भी डिस्कनेक्ट करना है, अब बोलोगे क्लियर लाइन, अब क्या बोलोगे, क्लियर लाइन, और इसके बाद में आप शो यूजर्स कमांड चलाता हूं मैं, पहले फिर से शो यूजर्स, कितने यूजर कनेक्ट हो रखे हैं, 1, तो आप बोलोगे क्लियर लाइन, डायरेक्टली लाइन नंबर भी बता सकते हो ये वाला, या फिर आप बोल सकते हो VTY 0, इससे भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देखो R5 डिस्कनेक्ट हो चुका होगा, ये देखो क्लियर है ये चीज, तो आप R1 पे देख सकते हो इसको किस किस यूजर ने कनेक्ट किया हुआ है, और आप उनको यहां से टर्मिनेट भी कर सकते हो, क्लियर।